हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 10 कस्तूरबा विद्यालय से शिक्षक भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फतेहपुर से आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में हम समझने वाले हैं। मेन वेबसाइट पर सबसे पहले जो है हमें जाना होगा और मेन वेबसाइट पर ही जो है विज्ञापन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो फतेहपुर की जो है ये मेन वेबसाइट है, विज्ञप्ति फॉर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 26 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर से वैकेंसी है। 29 नवंबर 2023 को जो है ये विज्ञापन जारी हुआ बट पता नहीं लग पाया, तो अभी जो है लास्ट डेट 26 दिसंबर है। समग्र शिक्षा के तहत जो ये वैकेंसी जारी की गई है, जनपद फतेहपुर में संचालित 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। यहाँ पर वैकेंसी जो है हिंदी पूर्णकालिक शिक्षिका की है, गणित की है पूर्णकालिक शिक्षिका की, विज्ञान की है, सामाजिक विषय की है, अंग्रेजी विषय की है, उसके बाद कंप्यूटर अंशकालिक शिक्षिका की है, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी जो कि अंशकालिक है, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी और चौकीदार। तो कुल जो है यहाँ पर 40 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद जो है अनिवार्य शैक्षिक और प्रशिक्षण की योग्यता क्या चाहिए। यदि आप पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए, गणित के लिए, विज्ञान के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ लिखा है कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन में हिंदी के लिए, हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ पढ़ाई आपकी हो, बीएड आपका होना चाहिए और यहाँ पर लिखा है टैट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, सी टैट हो सकता है, आपके राज्य का टैट हो सकता है। उसके बाद मैथ के लिए भी जो है यही क्वालिफिकेशन कही गई है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड और साथ में आपका टैट उच्च प्राथमिक स्तर का। विज्ञान के लिए भी जो है सेम कंडीशन है। सामाजिक विषय के लिए कहा है कि इतिहास, भूगोल या नागरिक शास्त्र, इसमें से आप लोगों का एक विषय जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इसमें से एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, बीएड होना चाहिए और साथ में आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए टैट। अंग्रेजी विषय के लिए भी सेम यही कंडीशन रहेगी। कंप्यूटर के लिए आप देख सकते हैं प्रशिक्षित स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास और कंप्यूटर के लिए भी जो है इन्होंने बीएड कंपलसरी किया हुआ है और साथ में ये लिखा है यहाँ पर कि अगर इसके समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण, इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण के लिए PGDCA या BCA या BSc कंप्यूटर साइंस या स्नातक सहित DOEACC या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल का डिप्लोमा है तो भी आप योग्य होंगे। स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में BPED या CPED या DPED आपने अगर किया है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार के लिए जो है क्लास 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, ठीक है। पूर्णकालिक शिक्षिका को यहाँ 22,000 पर मंथ दिए जाएंगे और अंशकालिक शिक्षिका को 9,800 और बाकी मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, तो इनकी आप देख सकते हैं सैलरी अलग अलग है। यहाँ पर लिखा है कि जो पहले से ही कार्यरत शिक्षिकाएं हैं तो उनके लिए जो है वो टैट अनिवार्य नहीं है, ठीक है। कैसे जो है सिलेक्शन रहेगा तो यहाँ पर लिखा है कि हाई स्कूल के आपके 100 में से परीक्षा में प्राप्तांक का 10%, ठीक है। तो ये 100 में से आपका 10%, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का 20%, प्रशिक्षण बीएड का 30% और अगर पहले से ही आप लोग यहाँ पर पढ़ा रहे थे, अनुभव है, तो यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए यानी एक साल के लिए आपका 2 अंक, आपने 2 साल किया है तो आपका 4 अंक, अधिकतम जो है वो 30 अंक हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ही जो है शिक्षक यहाँ काफ़ी साल से जो है वो लगे हुए हैं, जिनके पास किसी के पास 6 वर्ष का अनुभव है, किसी के पास 7 वर्ष का अनुभव है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अंक मिलेंगे। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 25 से लेकर 45 वर्ष होनी चाहिए। ये देखिए इसकी जो है मेन वेबसाइट है जहाँ पर अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं उसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो आप लोगों को इसी साइट पर आना होगा, ठीक है। ये नीचे जो है दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसी को आप लोग भरेंगे और भर के अपने डॉक्यूमेंट के साथ में आपको दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। यहाँ लिखा है इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक यानी रजिस्टर डाक के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय फतेहपुर उत्तर प्रदेश के पते पर दिनांक 26/12/2023 की शाम 5 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। लिफाफे के ऊपर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन, आवेदित पद का नाम यानी किस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं
और विषय लिखना अनिवार्य होगा। साधारण डाक एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है 10 कस्तूरबा विद्यालय से वैकेंसी है और आपका सिलेक्शन होता है तो इनकी लिस्ट में जो 10 स्कूल होंगे तो उसमें आप लोगों को भेजा जाएगा। तो ये वैकेंसी है, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट आवेदन लगातार कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को क्या करना है, मेन वेबसाइट पर आना है और उत्तर प्रदेश सरकार फतेहपुर से यह वैकेंसी है, नीचे आप आएंगे तो सबसे ऊपर ही आप लोगों को व्हाट्स न्यू में अभी बिल्कुल आपको दिखाई देगा विज्ञप्ति फॉर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसी पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो पेज ओपन होगा, ये देखिए ये पेज आएगा और यहीं पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ फाइल के नीचे व्यू लिखा है, 1 MB की जो है ये पूरी फाइल है, इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा विज्ञापन होगा। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है और आगे जैसे ही और भी राज्यों की वैकेंसी आती है बिल्कुल आप लोग वेट करें। अगर आप लोग अपने राज्य की वैकेंसी चाहते हैं तो आप लोगों को चैनल पर बिल्कुल मिलेगी जैसे ही वैकेंसी जारी होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।